2021 के शुरू होते ही किसान आंदोलन को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर से कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि देश का किसान एक महीने से भी ज्यादा समय से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरा हुआ है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की है। साथ ही उन्होंने सरकार पर तानाशाही करने का आरोप भी लगाया है। कुंजवाल का कहना है कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी संगठित होकर जनता के सामने आएगी। साथ ही उन्होंने सरकार पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश को निजीकरण की तरफ धकेलने का भी आरोप लगाया है। हम ये कहते हैं कि पक्ष में हो विपक्ष में हो इस बात का मूल्यांकन हर कोई व्यक्ति कर रहा है, उस हिसाब से उसका होना भी चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस तरह से किसानों को इस सर्दी में तड़पाया गया वो सरकार की इंसानियत नहीं है जी। ऐसा अंग्रेजों के समय में भी मैं समझता हूँ नहीं हुआ होगा जिस तरह से किसान इस तरह परेशान कर दिए गए जी। जो भी बातचीत हो, जो भी एक 7 घंटा बातचीत चले, 2 घंटे का ब्रेक करके फिर चले, जब तक हल नहीं निकले तब तो हम वहाँ से उठे नहीं, ये तरीका भी तो सरकार निकाल सकती है। सबसे बड़ा दुख इस बात का है, इस उत्तराखंड का सभी पार्टियों में जो सीनियर लीडर है, जो नेता है, जिसको यहाँ की आम जनता भी नेता मानती है, चुनाव में हार जीत अलग होती है, वो हरीश रावत जी हैं। अब उनको उनकी सीनियरिटी को लेकर के उनके पद के सापेक्ष जो हमारे अंदर एक सोच होनी चाहिए थी वो सोच कुछ लोग नहीं रख पा रहे हैं, पता नहीं उसका कारण भी क्या है। जबकि मैं साफ कहना चाहूँगा कि आप कांग्रेस को सत्ता में लाइए। हर खबर में होगी हमारी नज़र, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।